ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज के एपिसोड में मैं शरद पूर्णिमा के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। यह पूर्णिमा क्यों इतना महत्वपूर्ण है यह भी बताऊँगा। शरद पूर्णिमा को किए जाने वाले व्रत तथा उसकी महिमा भी बताऊँगा। शरद पूर्णिमा को किए जाने वाले पूजा का विधि विधान भी बताऊंगा और साथ ही शरद पूर्णिमा की कथा भी सुनाऊंगा। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारा चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाएँ, व्रत, पूजा विधि अनुष्ठान तथा वास्तुशास्त्र की सही जानकारी आपको देता है। हम आपको वही जानकारी देते हैं जो कि प्रामाणिक हो। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखें और जितेंद्रिय भाव से रहें। धनवान व्यक्ति तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करें। तदनंतर सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाएं। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करके और बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब एक प्रहर अर्थात 3 घंटे बीत जाएं, तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक गरीबों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं और उनके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगलमय कार्य करते हुए रात्रि जागरण करें। तदनंतर अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वह स्वर्णमयी प्रतिमा किसी दीन दुखी को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जाग कर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष किए जाने वाला यह कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला होता है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही हैं और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। गुलाबी सर्दी की अनुभूति शरद पूर्णिमा के दिन से ही होती है। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि के समापन के 5वें दिन आने वाली पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। शरद पूर्णिमा सनातन कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह में आता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा गया है। इस दिन किए जाने वाले व्रत को कोजागर व्रत या कौमुदी व्रत भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। प्राचीन पुराणों में उल्लिखित है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी की रोशनी में रखने की परंपरा है। पूरे वर्ष में केवल इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भ्रमण और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बेहद ही शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के बारे में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। यह पौराणिक कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से ही तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है।
तब साहूकार की छोटी पुत्री ने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है बहन। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। यह थी शरद पूर्णिमा से संबंधित पौराणिक कथा। शरद ऋतु में मौसम एकदम साफ रहता है, आकाश में न तो बादल होते हैं न ही धूल गुबार होता है। आज की रात्रि चंद्रदेव अपनी अमृत सुधा को पूर्ण शक्ति से पृथ्वी पर बरसाते हैं। ऐसी अनुपम पूर्णिमा का व्रत करना परम सौभाग्य की बात होगी। यह व्रत आप भी करें और पुण्य का लाभ लें। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही प्रामाणिक धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।